सत्य में हो जाते हैं। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 के सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, फिजिकोशन के लिए ही जरूरी नहीं है, फिजिकोशन रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि इसमें हमने काफ़ी मेहनत किया है, खासकर सुबोध, उन्होंने उनको मैंने 6 पब्लिकेशन की बुक दी थी, सुल्तान चंद बाय डॉक्टर लवलीना नादिर और अनिल नादिर जी का, विश्वास पब्लिकेशन जो सुनील त्यागी जी ने लिखा है, अविचल प्रकाशन जो वीडी शर्मा और वीरेंद्र सिंह जी ने लिखा है, और सवाल का जो सीयूटी का अंडर ग्रेजुएट का जो एंट्रेंस का आता है एग्ज़ाम के लिए उसका सारा, और सवाल का सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। तो जितने भी जगह का ऑब्जेक्टिव था, फिर कैंडिड का बाय संजय कुंद्रा, सरस्वती पब्लिकेशन बाय डॉक्टर वी के शर्मा, ये सारे किताब के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो चैप्टर 1 के, उनको हम लोगों ने एक जगह कंपाइल किया और बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपस में मिलते हुए हैं। तो अभी हो सकता है कि जो हम लोग बोलेंगे तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो भी मैं क्लियर करते जाऊंगा। तो काफ़ी मेहनत करके वीडियो हम लोगों ने बनाया है ताकि अधिकतर बच्चों को फ़ायदा कर सके, अधिकतर जो कंपटीशन पी का देना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहा है, सेंट्रल में बहुत जगह है, तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का जो है या टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, और आते ही आते हैं, मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, चाहे वो सेंट्रल स्कूल का हो, चाहे नवोदय का हो या स्टेट का हो, कोई ना कोई टूर्नामेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होना ही होना है। तो आज का जो वीडियो है वो सीबीएसई में भी होना ही होना है और बाकी कंपटीशन में भी होना ही होना है। तो सीबीएसई प्लस टू की किताबों से लिया गया, लेकिन चूंकि डिफरेंट पब्लिकेशन से लिया गया है तो वाइड रेंज हो गया है और काफ़ी फ़ायदा करेगा उन सभी लोगों को जो एग्ज़ाम सीबीएसई का जस्ट देंगे इस 24 में, और जो भी लोग जो है किसी भी तरह कंपटीशन देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आप स्किप कर जाएं वही क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए सारे क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान से सुने। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक एक करके मैं रखते जाऊँगा जिस पब्लिकेशन का, और होते जाएगा फिर। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? बेसिक फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? तो बेसिक फंक्शन जो है, ऐसे अगर ऑप्शन आपका दिया ऑल ऑफ दीज तो ये ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ कंट्रोलिंग, बजटिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दिया हुआ है। तो सबसे बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है? तो प्लानिंग से। किसी भी चीज़ को आप पहले प्लान करते हैं, प्लानिंग का ही पार्ट सब चीज़ है। प्लान करते हैं, उसके अनुसार उसको जब कंडक्ट करते हैं तो उसी में कंट्रोलिंग भी हो जाता है, बजटिंग भी हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो जाता है, स्टाफिंग भी हो जाता है, सब कुछ से रिलेटेड है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज नहीं था, अगर ऑल ऑफ दीज रहता तो ये सब कुछ बेसिक फंक्शन में आता है, लेकिन सबसे मेन बेसिक फंक्शन प्लानिंग है। ए प्लान, एलन का एक डिफिनेशन है, कभी कभी वही पूछ देता है कि हु सेड ए प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। तो ये जो है वो प्लान का डिफिनेशन है जो कि एलन ने दिया था। तो वहाँ, यहाँ से जो है पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर ये पोस्ट कॉर्ब याद रखिएगा, हम लोग पोस्ट कॉर्ब से याद रखे थे, पी यानी प्लानिंग, यू यानी ऑपरेटिंग, एस यानी स्टाफिंग, डी यानी डायरेक्टिंग, सी यानी कंट्रोलिंग। अभी कंट्रोलिंग से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग और कॉपरेशन चलता है, कॉपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सीईओ। और तब होता है बी यानी बजटिंग, आर यानी रिपोर्टिंग, बी मीन्स बजटिंग। तो रिपोर्टिंग और बजटिंग ये सारे बेसिक फंक्शन मैनेजमेंट के, अगर आप कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं तो आप बीएसटी में इसको पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के जो भी फंक्शन है उसमें ये सारा, यही मेन आता है हर जगह। हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? मैनेजमेंट के कितने फंक्शन हैं? तो आपका सीबीएसई सिलेबस के अनुसार चलाएंगे तो आप जो है मेन हम लोग को 5 पढ़ना, लेकिन ऐसे 6 बेसिक फंक्शन होते हैं उसके। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है? तो आपके 4 ऑप्शन में आप देखिएगा, जहाँ भी रहेगा डिसाइडिंग एडवांस या थिंकिंग एडवांस, इस तरह का जब भी कुछ होगा तो वही आपका प्लानिंग होगा। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर है, मोटिवेटिंग द ट्रेनर, थिंकिंग अबाउट पास्ट, मीटिंग विथ स्टूडेंट्स, या डिसाइडिंग एडवांस व्हाट इज डन, व्हाट इज टू बी डन। ये पूरा का पूरा डिफिनेशन में आया था, व्हाट इज टू बी डन, बाय होम इट विल बी डन। तो ये पूरा, एंड हु विल डू। तो ये जितने चीज हैं ये सारा कुछ WH क्वेश्चन जितने भविष्य के लिए होंगे उनका जो निवारण है वही आपका प्लानिंग है। व्हाट इज रोल ऑफ टेक्निकल कमेटी? अब देखिए ये जितनी कमेटी है उनका क्या रोल है? तो मैं बच्चों को याद कराने के लिए बोलता हूँ कि आप अगर टूर्नामेंट करा रहे हैं तो खुद को इमेजिन कीजिए कि हम करा रहे हैं,
अगर हम लोग टूर्नामेंट कराएंगे तो क्या क्या होगा और वो कौन कौन सी कमेटी क्या क्या करेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग का एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगा जिसको लेकर हम बैठेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ही ऑर्गेनाइज करती है, सोल रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कोई ना कोई को तो हेड डालेंगे, तो उसको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी कहते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट भी कहते हैं, तो वहाँ पर जो है या चेयरपर्सन कहते हैं वहाँ। उसके नीचे जो है अब सब डिसाइड हो गया, तो सबसे पहले तो बजट ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बजट ही नहीं आपके पास तो आप कोई प्लान नहीं कर सकते हैं। कितना का बजट है उसी के अनुसार सारा प्लान चलता है। बजट तो उसको फाइनेंस कमेटी कहीं लिखता है, बजट कमेटी कहीं लिखता है, तो क्या लिखता है उससे रिलेशन आपका अगर ब्रेन क्लियर है तो आप आराम से उसको रिलेट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में। देखिए ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव का बेस होता है। सब्जेक्टिव क्या है, आपके पास अगर भाषा है आप सब्जेक्टिव लिख लेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है तो वो सब्जेक्टिव कितनी भी अच्छी भाषा है आप फैक्ट्स वहाँ नहीं डाल पाएंगे, वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो मेरे अनुसार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज मैं बोल रहा हूँ, ये अगर पूरा का पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और आप ऑब्जेक्टिव तो लिख ही लेंगे, सब्जेक्टिव भी ठीक से लिख लेंगे, थोड़ी सी आपको भाषा की जानकारी है ठीक ठाक। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्निकल कमेटी, अब यहाँ लाइन से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने पहुँचे बजट कमेटी के बाद, बजट के बाद हम लोग क्या करेंगे जब हो गया तो किसी भी टूर्नामेंट का बेस होता है उसका एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट उसके बारे में करेंगे कि फलाना तारीख फलाना डेट को यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है, तभी तो लोग आएंगे। क्योंकि टूर्नामेंट क्या है, टूर्नामेंट एक तरह से प्रोपोगंडा ऑफ स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स को आप प्रोपोगेट करते हैं, आप जो है स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ही टूर्नामेंट कराते हैं। एक कंपटीशन के द्वारा एक माहौल बनता है खेल का, तो उस माहौल को बनाने के लिए तो पहले आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा। आप देख लीजिए IPL से लेकर जितने भी गेम हैं, भी प्रो कबड्डी, जितने भी तरह के टूर्नामेंट होंगे, जब तक उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितना अच्छा ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा उतने ज़्यादा पब्लिक जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा स्पेक्टेटर्स जुड़ेंगे उतना ज़्यादा उस खेल का विकास होगा, खिलाड़ी को भी अच्छा लगता है। जैसे जंगल में कोई अगर मोर नाच रहा है और कोई नहीं देख रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो स्पोर्ट्स पर्सन चाहते हैं कि भाई हम लोग खेले, जब बहुत मेहनत से स्किल डेवलप किए हैं तो लोग देखें। तो वहाँ पर आया एडवर्टाइजमेंट कमेटी जो एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्सिबल है। एडवर्टाइजमेंट के नीचे अगर आ जाइएगा तो फिर आपका इन्विटेशन कमेटी जो इन्वाइट करेगी टीमों को खेलने के लिए, लोगों को इन्वाइट करेगी देखने के लिए, जो जो प्रोमिनेंट लोग होंगे। तो यहाँ से इन्विटेशन हो गया। इन्विटेशन के बाद आपका जब डेट आता है तो सबसे पहले लोग आते हैं, चाहे रेल के द्वारा आए या किसी गाड़ी के द्वारा आए, तो ट्रांसपोर्ट कमेटी को हेल्प करती है लाने के लिए वेन्यू तक। वेन्यू जब आ जाते हैं तो एक रिसेप्शन कमेटी होती है जो रिसीव करती है उन लोगों को। जैसे उन लोगों को रिसीव कर लेते हैं तो उनको एक जगह रखा जाता है, चाहे बड़े टूर्नामेंट्स हैं तो उनके लिए होटल रूम सारे पहले से बुक होते हैं। छोटे टूर्नामेंट्स हम लोग स्कूल लेवल में तो हम लोग रूम ही खाली करके अपना उनका लगा के रखते हैं कि कौन कौन सी टीम कहाँ रुकेगी। तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी होती है। बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी में रुकने के बाद सबको भूख लगी रहती है तो फूडिंग कमेटी होती है। फूडिंग कमेटी जो होती है और रिफ्रेशमेंट कमेटी फूडिंग कमेटी, इस टाइप की कमेटीज़ होती हैं। तो उनका काम होता है लोगों को रिफ्रेश खाना पीना खिलाते रहना, नाश्ता कराते रहना। और जैसे ही लोग आते हैं तो अरेस्ट कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, तो सोचते ग्राउंड कहाँ मैच होगा। तो ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी है कि एडवांस में इक्विपमेंट सारे चेक हो जाए कि सारे खेल के सब ठीक है कि नहीं, ग्राउंड ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये सारा कुछ वहाँ पर तैयार हो जाने के बाद हम लोग जो है फिर वहाँ से ओपनिंग सेरेमनी अब आ जाइए। ओपनिंग सेरेमनी कमेटी जिसमें पूरा सीक्वेंस बनता है कि सबसे पहले प्लेज होगा, उसके बाद जो है मार्च पास्ट होगा, फिर गेस्ट जो है वो अनाउंस करेंगे कि टूर्नामेंट शुरू हो गया है। तो डिफरेंट जो उसके फंक्शंस हैं, पूरा जो बनता है शेड्यूल कि कब कब कैसे होगा, लास्ट वहाँ ओपनिंग सेरेमनी खत्म होता है फर्स्ट मैच के स्टार्टिंग से। फर्स्ट मैच जब स्टार्ट होता है तो एक तरह से ओपनिंग सेरेमनी खत्म और मैचेस शुरू। तो मैचेस शुरू होते ही किसका काम है, तो ऑफिशिएटिंग कमेटी है। उससे पहले जो टेक्निकल कमेटी बनी रहती है उसके अंदर ऑफिशियल भी आते हैं। टेक्निकल कमेटी का काम फिक्स्चर बनाना भी होता है, तो फिक्स्चर्स जो है वो एडवांस में बने रहते हैं। तो फिक्स्चर कमेटी भी अलग कहीं कहीं रहती है, कहीं टेक्निकल कमेटी का ही काम रहता है। टेक्निकल कमेटी सारे टेक्निकल इशूज़ देखती है, ऑफिशिएटिंग कमेटी उसी का एक पार्ट है जो कि सारे मैच कराती है, जिसमें आपके बॉल बॉय से लेकर जितने भी लाइन मैन हैं, एम्पायर, रेफरी, टाइम कीपर, स्कोरर, जितने होते हैं जिस गेम में जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो जिस गेम में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अनुसार वहाँ पर टेक्निकल कमेटी होती है। एक बड़ा अहम रोल होता है अनाउंसमेंट कमेटी का, क्योंकि अच्छा अनाउंसर जो है मैच में जान डाल देता है। तो अनाउंसमेंट कमेटी जो है पूरी बनती है कि किसके बाद कौन बोलेगा, किस मैच में कैसे कौन किसको बोलना है, उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए मैच से रिलेटेड सभी, और जो जो प्रोमिनेंट लोग आए हैं उनकी भी। तो अनाउंसमेंट होते रहता है, तो अनाउंसमेंट कमेटी है।
वहाँ से खेल शुरू हो गया तो चोट लगना स्वाभाविक है, तो फर्स्ट एड कमिटी है। मैं एक बार में इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं 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 बुक में आएंगे कि इस कमेटी का क्या काम है, उस कमेटी का क्या काम है। और कुछ कमेटी है जो टूर्नामेंट से पहले से काम करती रहती है, कुछ है जो टूर्नामेंट के दौरान ही सिर्फ काम करती है। जैसे फर्स्ट एड कमेटी सिर्फ टूर्नामेंट के दौरान काम करेगी, अनाउंसमेंट कमेटी सिर्फ टूर्नामेंट के दौरान काम करेगी, जो स्पोर्ट्स अनाउंसमेंट कमेटी है, एडवर्टाइजमेंट अलग हो गया। और कुछ कमेटी है जो कि बाद में काम करती है, जैसे सर्टिफिकेट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, ये लास्ट में काम करती है। वोट ऑफ थैंक्स कमेटी तो लास्ट में ही काम करेगी, जो सबको वोट ऑफ थैंक्स किसने किसने मदद किया उसको बोलने के लिए। तो सर्टिफिकेशन जो कमेटी होती है वो, लेकिन कुछ कमेटी ऐसी जो हमेशा काम करती, ट्रांसपोर्ट कमेटी टूर्नामेंट के पहले से काम करती है, टूर्नामेंट के दौरान काम करती है, टूर्नामेंट के बाद भी काम करती है। तो बहुत सारी कमेटी ऐसा है जो सब जगह काम करेगी। तो ये आपको ब्रेन में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पूछ देता है कि विच कमेटी फंक्शन प्री ड्यूरिंग पोस्ट टूर्नामेंट, ऐसे भी बहुत बार पूछता है। तो वो चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए, जब माइंड में क्लैरिटी होगी तो किसी तरह का क्वेश्चन पूछे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कुछ है जो कि हम लोग जो है कमेटी के दौरान, कहीं कहीं पर कैंप फायर कमेटी भी होता है या कल्चरल कमेटी भी होती है, जो कि स्ट्रेनियस गेम खेलने के बाद, मैच खेलने के बाद जो है लोग जो है, अगर प्लेयर्स जो है काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए खेल जो है जब इसमें परफॉर्मेंस को आप बहुत महत्व देने लगते हैं तो खेल भी एक तरह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस लाता है। क्योंकि हाईली जब कम्पिटिटिव कोई भी चीज़ हो जाता है तो वहाँ पर स्ट्रेस होता है, क्योंकि आपको आपके लिए जीतना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ पर, तो स्ट्रेस वहाँ होता ही होता है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटी है। तो वहाँ पर एक और कमेटी है जो कि कैंप फायर कमेटी भी के नाम से है या फिर कल्चरल कमेटी के नाम से है, तो जो है वो कमेटी भी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्निकल कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एकोमोडेशन। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि एकोमोडेशन कमेटी अलग है, बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी जिसको कहते हैं हम लोग। रिस्पॉन्सिबल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्राइज एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी अलग है। रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट कमेटी मैंने कह ही दिया पहले अलग है। अब रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल कंडक्ट, तो टेक्निकल जो भी कंडक्ट हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड ये सारे टेक्निकल कमेटी देखती है। व्हाट इज द एलिमिनेशन टूर्नामेंट, अब देखिए एलिमिनेशन का मतलब तो एलिमिनेट हो जाना, तो जो है एलिमिनेशन टूर्नामेंट मीन्स टूर्नामेंट जो है उसमें एलिमिनेट हो जाना कोई भी चीज़ में, ठीक है ना। तो ये जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसी को एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका डिफिनेशन है कि ये नॉकआउट टूर्नामेंट, इन नॉकआउट टूर्नामेंट ए टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड। इसका डिफिनेशन हर जगह किताब में इसी तरह है, वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड। तो जो भी एक बार हारे बाहर चल जाए वो सिंगल नॉकआउट, दो बार भी तो डबल नॉकआउट भी होता है कहीं कहीं, लेकिन बेसिकली आपको जो सिलेबस में रहता है नॉकआउट का मतलब होता है एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। हाउ मेनी बाइज आर गिवेन इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट व्हेन 13 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। अब देखिए अब 13 पूछे, 14 पूछे, 15 पूछे, 16 पूछे, 17 पूछे, 18 पूछे, कुछ भी पूछे, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी आंसर दे देंगे। अब जैसे पावर ऑफ टू में अगर मैचेज हो रहे हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह के पावर ऑफ टू में अगर कोई भी मैचेज हो रहे हैं तो उसमें कोई भी बाई नहीं होगा नॉकआउट में। लेकिन अगर पावर ऑफ टू में टीम्स नहीं है तो बाई होगा। अब बाई कैसे होगा, तो पावर ऑफ टू जो जस्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीम, जैसे एक टीम है तो विनर ही हो गया, दो टीम है तो रनर विनर हो गया। लेकिन अगर तीन टीम है और नॉकआउट कराने की इच्छा है, ऐसे तो तीन चार टीम होती तो हम लोग लीग कराते क्योंकि कम टीम के लिए लीग बना हुआ है। लेकिन तीन टीम है नॉकआउट कराने की इच्छा है तो आपको लॉटरी निकालना होगा। लॉटरी निकालने के बाद एक टीम को बाई मिल जाएगी क्योंकि 4-3 इज इक्वल टू, क्योंकि नेक्स्ट पावर ऑफ टू क्या 4-3 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक बाई। 4 से जैसे ही 5 होगा तो 5, 6, 7 ये सारा तीनों किससे माइनस होगा, 8 से। 8 में फिर कोई बाई नहीं होगा। 8 से जैसे ही 9 जाएगा तो 9 से लेकर 15 तक 16 से माइनस होगा। समझ में आ रही बात, और अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा तो मैं इसको और क्लियर कर दूंगा। तो ये 16 से 17 जैसे ही जाएगा, 17 से लेकर 31 तक 32 जो है उससे माइनस होगा, क्योंकि नेक्स्ट पावर टू है। 33 से लेकर 63 तक तब 64 से माइनस होगा। तो ये एक सिंपल सा चीज़ अगर याद रखिएगा तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 13 टीम्स है तो कितना बाई होगा,
अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि 13 है तो 8 के बाद 16, क्योंकि 2, 4, 8, 16, तो 16 माइनस 13। अब आप इसको आप कभी भी किसी भी हालत में 32 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीम क्या है, पावर ऑफ 2, 16 है, तो वहीं से करना है। इफ 20 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मेनी मैचेज विल बी कंडक्टेड। अब देखिए इसको याद रखिएगा, नॉकआउट में नंबर ऑफ मैच एन माइनस वन होता है, लेकिन यहाँ कभी कभी थोड़ा सा आपको चेक करने के लिए एक दे देगा कि हाउ मेनी मैचेज विल बी देयर इफ देयर इज एक्स टीम इन नॉकआउट सिस्टम बट देयर विल बी हार्डलाइन मैच टू। जब थर्ड पोजीशन का भी मैच हो जाएगा, अगर हार्डलाइन मैच भी होकर तो होता है नॉकआउट में, दोनों जो सेमीफाइनलिस्ट जो लूजर होते हैं उनका आपस में हार्डलाइन मैच होता है। जब हार्डलाइन मैच होगा तो एन इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ टीम इक्वल टू नंबर ऑफ मैच, नंबर ऑफ टीम इक्वल टू नंबर ऑफ मैच, यानी कि 90 टीम में तो 19 मैच हो जाएगा, 20 तो 20 हो जाएगा। लेकिन अगर हार्ड लाइन मैच का जिक्र नहीं है, थर्ड पोजीशन मैच का जिक्र नहीं है अगर, तब फिर एन माइनस वन, यानी कि नॉकआउट का जो सिस्टम है वो एन माइनस वन पर चलता है। अब यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर लीग है तो क्या होगा, तो लीग है तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। अब देखिए लीग वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको क्लियर करूंगा फिर। तो यहाँ पर दिया हुआ 20 टीम्स और ऑप्शन में दिया है 17, 18, 19, 20, तो n माइनस वन यानी कि 19, क्लियर है। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स लीड्स टू, प्लानिंग स्पोर्ट्स लीड करता है किस लिए, तो इंक्रीज एक्सपेंडिचर, तो निगेटिव तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो निगेटिव वाले आंसर छाड़ देने हैं। इंक्रीज एक्सपेंडिचर नहीं होगा, इंक्रीज मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए प्लान करते हैं हम लोग, तभी तो चार जगह से पता करते हैं क्या सस्ता मिलेगा तो वहाँ से लेते हैं, इसीलिए तो प्लानिंग होता है। इनकी मिस्टेक को कम करने के लिए तो प्लानिंग होता है, क्योंकि लास्ट टाइम हरी जो लास्ट टाइम रस है उसको कम करने के लिए प्लान करते हैं काम हम। तो फेवरेटिज्म यानी कि जो फेवरेट जो चीज़ किसी के परिचित वाले लोग हैं उन लोग को जल्दी से काम दे देना, ऐसा भी नहीं होता, प्लान करते हैं ताकि हम लोग का एक्सपेंडिचर कम हो, सब चीज़ अच्छे से हो, तो वो भी नहीं होता है। तो बेटर कोऑर्डिनेशन एक पॉजिटिव डाला हुआ है, ऐसे तो और भी कुछ पॉजिटिव डालता, लेस मिस्टेक या डालता कि एक्सपेंडिचर मिनिमम एक्सपेंडिचर मिनिमाइज एक्सपेंडिचर या इस तरह का कोई भी चीज़ डालता, बेटर कोऑपरेशन या फिर डालता बेटर मैनेजमेंट, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा जो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी बाइज आर गिवन इन ए लीग टूर्नामेंट। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन जानबूझ कर दिया है, हाउ मेनी बाइज विल गिवन लीग टूर्नामेंट व्हेन 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। अब लीग टूर्नामेंट में बाई होता नहीं, अगर बाई होता भी साइक्लिक मेथड में तो वो राउंड के अनुसार होता है, जितने राउंड होते हैं सब में एक एक को बाई दे दिया जाता है, वो किस में होता है, लीग में भी होता है, बाई दिया जाता है मैचेज को साइक्लिक के अनुसार या टेबलो के अनुसार सेट करने के लिए, तो वो कब दिया जाता है, जब वो ऑड होते हैं। यहाँ पर दिया है व्हेन 8 टीम्स आर देयर, 8 टीम है तो कोई बाई नहीं होता, साइक्लिक में भी आप देखते होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उसके बाद 8 यहाँ आ गया, फिर 7 यहाँ आ गया, साइक्लिक घूम रहा है लेकिन किसी को बाई नहीं है। ऑड में अगर 7 है तो राउंड कितने होंगे, 7 होंगे, तो उसके अनुसार 7 टीम्स को बाई, एक एक हर एक राउंड में एक एक को बाई मिल जाएगा, लेकिन उस बाई का कोई मतलब नहीं होता है, उसका होता है सिर्फ कि उसका मैच नहीं हुआ उस राउंड में, केवल उसको सिक्वेंस में मैच खिलाने के लिए बैठाया जाता है। बाई असल में बाई जो होता है सिर्फ नॉकआउट के लिए है, ये याद रखिएगा। ऐसे ऑप्शन में 0, 1, 2, 3, 4 डाला हुआ है, तो 0, 1, 2, 3 डाला हुआ है तो आपको 0 पे टिक करना है। इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ 31 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग देन हाउ मेनी टीम्स विल विन फोर्थ क्वार्टर फाइनल। देखिए अगर टूर्नामेंट आप ठीक से समझ गए हैं तो किसी भी तरह क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। कभी कभी देखा कि थर्ड राउंड में कितने मैच होंगे, सेकेंड राउंड में कितने मैच होंगे, तो ये सारा कुछ आप कर लीजिएगा अगर आपका फिक्चर्स रिलेटेड नॉलेज ठीक ठाक है तो। मेरा हाउ टू मेक फिक्चर करके एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसको देख लीजिएगा एक बार। और चैप्टर वन से रिलेटेड और भी 2-3 वीडियो हैं जो उसके जो आपको आपकी सहायता कर सकता है एक कंसेप्ट बनाने में, तो उसको मैं साथ में लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑब्जेक्टिव ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि कितना भी अगर पूछ रहा है फोर्थ क्वार्टर में कितना होगा, थर्ड क्वार्टर में कितना होगा, तो अगर आपका अगर टीम कितना भी ज़्यादा है तो सबसे पहले हम लोग हाफ में बांटते हैं, 16 से ज़्यादा टीमों को हम लोग 4 हाफ में बांटते हैं और सिस्टमेटिक करने के लिए। तो पहले हाफ में बांटने वाले 17 टीम है तो 8 और 7 हो गया, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है 31 टीम है तो ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया 15, क्योंकि ऊपर n+1/2 नीचे n-1/2। अब जो जो लोग नहीं इसको जानते बता दें
कि जब भी इवन होगा तो एन बाई टू बटेगा, ये तो सबको जानते हैं, 32 टीमें तो 16-16 या 34 टीमें तो 17-17, अब बाई भी बराबर बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका ऑड होता है तो ऑड में ऊपर टीमें होती एक ज़्यादा एन प्लस वन बाई टू, नीचे टीम होती एक कम एन माइनस वन बाई टू। लेकिन बाई उल्टा, बाई जो था उल्टा होता, ऊपर जहाँ टीम ज़्यादा है वहाँ बाई कम, जहाँ टीम कम है वहाँ बाई ज़्यादा। इसको इस तरह समझ सकते हैं, जहाँ लोग कम होते हैं वहाँ इज्जत उनकी ज़्यादा होती है, जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं उनकी इज्जत थोड़ी कम होती है। तो बाई प्रेफरेंस जो है कम लोगों को ज़्यादा मिलता है, अमीर लोग कम हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा है, ईमानदार लोग कम हैं तो उनकी इज्जत ज़्यादा है। तो जो कम होते हैं तो नीचे टीम कम तो बाई ज़्यादा, तो बाई को कहते हैं एन बी, नंबर ऑफ बाई को एन बी से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ टीम्स को एन से डिनोट करते हैं, तो एन नंबर ऑफ मैचेज एन एम से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना के चलते, किताब में भी बहुत जगह इस तरह से लिखा रहता है। तो नंबर ऑफ बाई एन बी प्लस वन बाई टू नीचे के लिए, ऊपर के लिए एन बी प्लस वन बाई टू। अगर ये क्लियर है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। तो आप 31 है तो पहले ऊपर जो हो गया 16, नीचे हो गया 15, ये 15 भी दो भाग में बटेगा तो 8 और 7, तो सबसे नीचे चौथा क्वार्टर पर, अगर चार क्वार्टर बांटेंगे तो नीचे वाले में 7 टीम्स होगी। तो इस तरह से आप अगर बांटिएगा तो फोर्थ क्वार्टर में 7 टीम आएगा। तो यहाँ 5, 6, 7, 8 जो है ए बी सी डी है उसके अनुसार आप कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लानिंग फिर से वही आ गया। ऑब्जेक्टिव प्लानिंग क्या है, तो हमेशा जो है पॉजिटिव ही डालना है। ऑब्जेक्टिव प्लानिंग में आ गया टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, और जो है टू इंक्रीज इफिशेंसी, टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, मिनिमाइज एक्सपेंडिचर, ये 6-7 जो पॉइंट है ना वो घूम फिर के आएंगे आपके। रोल ऑफ फाइनेंस कमेटी क्या है, तो ये आप पहले ही हम बता दिए, फाइनेंशियल कमेटी सारे चीज़ जो फाइनेंस जो है परचेज है, जो भी चीज़ का परचेज होगा, जो भी चीज़ जो मॉनिटरी जो भी काम होगा वो सारे से रिलेटेड ये काम होगा। तो इसमें है टू सी फाइनेंस, यहाँ ऑप्शन में टू रिसीव टीम, टू मेक ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब तो नहीं होगा, फर्स्ट एड देखना नहीं होगा, तो इसमें एक ही चीज़ लिखा टू सी अबाउट ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और फाइनेंस, तो ये आपका होगा आंसर। एडवांसेज ऑफ एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट जो जो फ़ायदा है वही वही लीग का नुकसान है, यानी राउंड रॉबिन का, लीग को ही राउंड रॉबिन भी कहते हैं, उसको बर्जर सिस्टम भी कहते हैं, ये सब भी कभी कभी क्वेश्चन में आते रहता है, जिस तरह से नॉकआउट को एलिमिनेशन कहते हैं। और जो जो उसका फ़ायदा है इसका नुकसान, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट्स का फ़ायदा क्या क्या है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट कम एक्सपेंडिचर में होता है, कम टाइम में होता है, कम ऑफिशियल में होता है, और बहुत उपयोगी है जब ज़्यादा नंबर ऑफ टीम है तो। उसी का उल्टा जो है इसमें लीग में ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा ऑफिशियल लगते हैं, ज़्यादा इक्विपमेंट्स और ग्राउंड लगता है, और उपयोगी नहीं है जब बहुत ज़्यादा टीम हो जाए तो। अगर बहुत ज़्यादा टीम होगी और लीग खेलने लगेगा तो साल भर टूर्नामेंट चलते रहेगा, तो ये जस्ट उसका अपोजिट। अब देखिए इसका जो जो नुकसान है नॉकआउट का, वो उसका स्ट्रांग पॉइंट है। जैसे नॉकआउट का नुकसान क्या है, बहुत बार क्या होता है लॉटरी में या किसी भी कारण से दो मजबूत टीमें हैं वो पहले भिड़ गई, तो बाद में फाइनल वन साइडेड हो जाता है, सेमीफाइनल वन साइडेड हो जाता है। तो जितनी भी चीज़ें आपकी इसका जो है नुकसान में आएगा, जैसे प्लेयर के सिलेक्शन के लिए अच्छा नहीं है, प्लेयर्स के इन्वायरमेंट में सेट करने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्लेयर थका हुआ आया, पहला ही मैच टफ पड़ गया, बेचारा अपना गेम नहीं दिखा पाया, हार गया, तो वो सारा जो है हमारे जो है बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, हायर लेवल के लिए जो अगर आपको टीम अगर सेलेक्ट करना उसके लिए अच्छा नहीं, तो जो जो इसका अच्छा नहीं है वो सब उसका अच्छा में आ जाएगा। ये सिलेक्शन के लिए अच्छा है, ये प्लेयर के एडजस्टमेंट के लिए अच्छा है, इसमें फाइनल जो है हमेशा जो है टफ टीम ही पहुँचता है, तो ये दोनों का फ़ायदा नुकसान जो है आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन टच हो सकता है, और आप ऑब्जेक्टिव में कर लीजिएगा। व्हाट इज ए बाई, बाई क्या है भाई, तो बाई जो है बहुत तरह से इसको अलग अलग बुक में आप पढ़िएगा, बाई एक प्रिविलेज है, बाई इज़ ए प्रिविलेज टू सम टीम्स वेयर दे आर अलाउड नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में नहीं खेलने के लिए अलाउ किया जाता है, कुछ प्रिविलेज दिया जाता है कि फर्स्ट राउंड नहीं खेलने के लिए। वो क्यों होता है और कैसे होता है, तो पावर ऑफ टू में लाने के लिए। अब एक चीज़ और मैं बच्चों को क्लियर कर देता हूँ कि देखो पावर ऑफ टू में जो होता है ना, टीमें अगर नहीं रहेंगी तो मैचेज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टू है, दो टीम है तो फाइनल, चार है तो सेमीफाइनल फाइनल, आठ है तो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, 16 है तो प्री क्वार्टर क्वार्टर सेमीफाइनल फाइनल, उससे ज़्यादा है। तो पावर ऑफ टू में लाने के लिए ही टीम को बाई दिया जाता है। जैसे 17 टीम है तो 15 बाई हो जाता है, लेकिन 15 बाई होते ही जब टीम बचती है तो अगला 16 बचेगी,
तो जब भी आप बोलेगा ना सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, कभी कभी पूछ देता है कि इफ देर आर 31 टीम्स हाउ मेनी टीम्स विल लेफ्ट इन सेकंड राउंड और थर्ड राउंड फॉर प्लेइंग, तो हमेशा याद रखिएगा वो पावर टू में ही आएगा, एक राउंड के बाद से पावर टू में आएगा। तो आंसर देखिएगा अगर पावर टू में कोई है, मैं क्वेश्चन आगे बताऊंगा ऐसा भी है, तो पावर ऑफ टू में ही आएगा सेकंड राउंड से थर्ड राउंड से नॉकआउट में, उसी पावर ऑफ टू में लाने के लिए ही बाई देना पड़ता है, नहीं तो फिर मैच नहीं हो पाएगा। तो हाउ मेनी बाइज आर गिवन इन टूर्नामेंट 11 टीम्स, तो 11 टीम्स मैंने पहले ही बता दिया है 16 से होगा क्योंकि 8 फिर 16, तो 8 से ज़्यादा टीम हो गया तो 16 से होगा, 8 9 टू 15 सभी 16 से होंगे, तो यहाँ 16 से माइनस होगा तो 5 बाइज होंगे। अब बाई देने का सिस्टम क्या, ये पूछ देता है थर्ड बाई किसको देना, फोर्थ बाई किसको देना है, तो फर्स्ट बाई सबसे नीचे, सेकंड बाई सबसे ऊपर। देखिए दो हाफ में बांट के ही अधिकतर बनाते हैं हम लोग, जब ज़्यादा होता तो चार हाफ में बांटते, लेकिन जो नीचे का हाफ होगा उसका भी वही चलेगा, ऊपर का हाफ भी वही चलेगा जो दो दो भाग में बांटे। पहला बाई सबसे नीचे, दूसरा बाई सबसे ऊपर, तीसरा बाई नीचे का सबसे ऊपर और चौथा बाई ऊपर का सबसे नीचे। तो ऐसे हम लोग अधिकतर बोलते हैं लोअर मोस्ट टीम या लास्ट टीम, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, देन लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, या लोअर मोस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, अपर मोस्ट टीम ऑफ अपर हाफ, अपर मोस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, देन लोअर टीम मोस्ट ऑफ अपर हाफ, इसी सीक्वेंस में बाई चलते रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा दिमाग में कि कैसे बाई डालना है। प्री टूर्नामेंट कमेटी में क्या क्या आता है, तो ट्रांसपोर्ट कमेटी जो होता है प्री में आता है, पब्लिसिटी भी प्री में आता है, इन्विटेशन भी प्री में आता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट, देखिए अब यहाँ इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी लिखने के लिए। इंट्रा मीन्स होता है विद इन, इंट्रा मीन्स होता है विद इन, अ म्यूरलिस म्यूरल बना म्यूरलिस से जिसका मतलब वॉल, तो जो वाल के अंदर हो, तो दीवाल के अंदर अगर टूर्नामेंट हो रहा है, बोलिएगा कि कोई टूर्नामेंट तो किसी न किसी दीवाल के अंदर होगा, लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि दीवाल के अंदर मतलब किसी भी एक बाउंड्री के अंदर की टीमें अगर सिर्फ खेल रही है, एक बाउंड्री के अंदर की, इंट्रा मिरर मीन्स एक ही बाउंड्री के अंदर की टीम खेल रही है, यानी कि इंटर हाउस हो रहा है, इंटर क्लास हो रहा है, इंटर सेक्शन हो रहा है, मान ली क्लास 9 ABCD का टूर्नामेंट हो गया, या 8, 9, 10 का हो गया, या हाउस वाइज हो गया, 11, 12 सारा का आपस में हो गया, या हाउस वाइज स्कूल का टूर्नामेंट हुआ, ये सारा इंट्रा मिरर में आएंगे। एक्स्ट्रा म्यूरल यानी आउटसाइड द वॉल, तो आउटसाइड द वॉल मतलब यानी आपके दीवाल के बाहर, या तो आप जा रहे खेलने या किसी दीवाल के बाहर का कोई आ रहा आपके यहाँ खेलने, तो ये जब टूर्नामेंट होगा तो ये एक्स्ट्रा म्यूरल होगा। तो दो या दो से ज़्यादा स्कूल, दो या दो से ज़्यादा कॉलेज जब खेलते हैं तो एक्स्ट्रा म्यूरल, और दो या दो से ज़्यादा क्लास, या दो से ज़्यादा सेक्शन, या दो से ज़्यादा हाउसेस खेल रहे हैं तो इंट्रा म्यूरल। तो इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल याद रखिएगा। अब इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल को ऑब्जेक्टिव्स पे भी क्वेश्चन आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में उसके ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है या क्या क्या उसके फायदे हैं। देखिए कहीं ऑब्जेक्टिव जो है, अधिकतर चीज़ का ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका जो बेनिफिट्स होता है लगभग टैली करेगा, क्योंकि उसी ऑब्जेक्टिव पर ही तो चल के उसको फ़ायदा मिलता है। तो किसी भी चीज़ का बेनिफिट्स, किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव्स जो होता है या उसका एम्स जो होता है वो सारा एक ही सिंक्रोनाइज होता है, एक ही तरह चलता है, मानो सबका मतलब एक ही चलता है और पॉइंट्स भी लगभग एक ही होते हैं। अब आगे देखिए व्हाट डू यू मीन बाय इंटरम्यूरल, तो इंटर क्लास यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर सिटी और इंटर क्लास, तो मैंने बता ही दिया इंटर क्लास यानी क्लासेस का, इंटर हाउस भी रहता तो भी इसका आंसर इंटर हाउस हो सकता था, इंटर क्लास के लिए इंटर हाउस भी डाल सकता है। इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज वन टाइम लूजर टीम आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट, एक बार हारे बाहर, वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड, ये मैंने पहले बता दिया है, ये क्या है नॉकआउट है। अंपायर, रेफरी और रिकॉर्ड कीपर, ये सब किस कमेटी के अंदर जाएंगे, तो टेक्निकल कमेटी, अगर ऑफिशियल कमेटी लिखा है तो आप ऑफिशियल कमेटी भी डाल सकते हैं, टेक्निकल कमेटी कहा जाता है, ऑफिशियल कमेटी भी कहा जाता है, यहाँ पर ऑफिशियल कमेटी लिखा है तो टेक्निकल कमेटी नहीं लिखा हुआ है, मेडिकल कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अवार्ड कमेटी लिखा है जो कि अलग अलग काम करते, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज टू, कंपटीशन किस लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, नो द बेटर प्लेयर, बेटर प्लेयर कौन है उसको देखने के लिए, या बेस्ट प्लेयर कौन उसको देखने के लिए, नो द बेस्ट टीम कौन है उसको देखने के लिए, आइडेंटिफाई द प्लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा क्योंकि सारा कुछ पॉजिटिव ही लिखा हुआ है और सारा कुछ रिलेटेड है।
ऐसे व्हाट इज टूर्नामेंट भी पूछ देता है, तो टूर्नामेंट इज सीरीज ऑफ मैचेज वेर यू फाइंड द चैंपियन, ये अधिकतर जगह अधिकतर बुक में है। एक सीरीज ऑफ मैचेज जहां हम चैंपियन या बेस्ट टीम को खोजते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मैचेज इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट इज 34 टीम्स आर, टोटल नंबर मैच कितना होगा अगर 34 टीम है तो नॉकआउट में, तो नो डाउट 33 होगा। सीडिंग मैथड हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ, सीडिंग मैथड हेल्प करता है एलिमिनेशन ऑफ वीक टीम्स, क्योंकि वीक टीम्स जो है वो पहले एलिमिनेट हो जाए उसके लिए ही सीडिंग दे दिया जाता है। सीडिंग स्ट्रांग टीम्स को दिया जाता है, लास्ट ईयर के जो रनर विनर हैं उनको। लॉटरी के द्वारा सीडिंग नहीं दिया जाता है, लॉटरी के द्वारा बाई बैठाया जा सकता है, सीडिंग अधिकतर दिया जाता है। स्पेशल सीडिंग में तो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेलती है टीमें, तो स्पेशल सीडिंग अगर लिखा हुआ है मतलब वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेलेंगे अगर चार है तो, और अगर दो है तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में खेलेंगे अगर स्पेशल सीडिंग दो को दिया गया है तो। तो इस तरह से है, और सीडिंग का मतलब होता है कि स्ट्रांग टीम को ऐसा रखा जाए ताकि वो सेमीफाइनल से पहले आपस में ना भिड़े, अगर चार हैं तो। अगर दो है तो फाइनल से पहले ना भिड़े, सबसे नीचे सबसे ऊपर डालेंगे उसको। इंट्रामुरल कंपटीशंस आर बिटवीन सेम स्कूल डिफरेंट स्कूल, सेम हाउस इस टाइप से लिखा रहेगा तो सेम स्कूल वहां पर डालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिसाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, अपर हाफ के लिए ऑड नंबर ऑफ टीम्स क्या है तो एन प्लस वन बाई टू, लोअर हाफ के लिए क्या है एन माइनस वन बाई टू। एक जगह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था, दिल्ली बोर्ड का एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मैचेज इन राउंड रॉबिन सिस्टम इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ टीम्स मींस 11 टीम्स, ऐसा लिखा हुआ है। अब वहाँ पर देखिए ऑड हो या इवन हो, नंबर ऑफ मैचेज जो होता है ऑड इवन पे डिसाइड नहीं होता है। अगर ऑड है या इवन है, नंबर ऑफ मैचेज एन माइनस वन रहेगा नॉकआउट में, और ऑड हो या इवन हो नंबर ऑफ मैचेज जो लीग सिस्टम है नॉक राउंड रॉबिन सिस्टम या बर्जर सिस्टम है उसमें आपका हमेशा रहेगा एन इंटू एन माइनस वन टू। अब वहाँ पर केवल बोलते हैं डबल लीग सिस्टम है, अगर डबल लीग हो रहा है तो एन इंटू एन माइनस वन सिर्फ रहेगा, बाई टू को हटा दिया जाएगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछता है कभी कभी, इफ देर आर डबल लीग सिस्टम माने हर एक टीम दूसरे से दो दो बार खेलेगी तब क्या होगा, तो बाई टू को हटा के एन इंटू एन माइनस वन रह जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने देखा हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाउ मेनी मैचेज विल बी प्लेड इफ देर आर 20, ये बहुत बार रिपीट इस टाइप का क्वेश्चन करता है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मैचेज, ये बहुत बार रिपीट करेगा, लीग के लिए पूछेगा, नॉकआउट के लिए पूछेगा, कभी कभी इसको कन्फ्यूजिंग करने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ मैचेज इन लोअर हाफ भी पूछ देगा, तो अपर हाफ और लोअर हाफ के मैचेज भी आपको देखने पड़ेंगे। तो उसमें भी कुछ नहीं है, आपको देखो लोअर हाफ अगर नॉकआउट है तो लोअर हाफ, क्योंकि अपर हाफ और लोअर हाफ जो है लीग में होता नहीं है, नॉकआउट में होगा, तो लोअर हाफ में जितने टीमें हैं उससे माइनस वन बस उतना ही चलेगा वहाँ भी, तो इसलिए उसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन नॉकआउट राउंड, अब देखिए राउंड पे क्वेश्चन पूछेगा नॉकआउट में अगर, तो देखिएगा कि अगर टीमें पावर ऑफ टू में कहाँ हैं, जैसे किस पावर ऑफ टू के बाद है, जैसे 16 से 17 होते ही वो 32 के अनुसार चलेगा, तो 32 क्या है, 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16, 2 पर पावर 5 32, तो यानी कि 2 पर पावर 5 यानी 5 राउंड होंगे, 17 टू 32 सारे में 5 राउंड होंगे, 9 टू 16 सारे में 4 राउंड होंगे, 5 टू 8 सारे में 3 राउंड होंगे, ठीक है, 3-4 दोनों में 2 राउंड होंगे, और 1-2 दोनों में 1 राउंड होंगे क्योंकि फाइनल हो गया दो में तो, और एक है तो चैंपियन ही है तो खेलेगा क्यों। तो इसलिए इसको थोड़ा देख के चलिएगा कि कितने में, अगर 33 टीम जैसे हो गया तो 6 राउंड में खेलेगा, 33 टू 64 सारा, इतना लंबा पूछता नहीं फिर भी, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इन देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आ ही गया, इन ए डबल लीग टूर्नामेंट इफ द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 7, हाउ मेनी मैचेज विल बी देयर, तो यहाँ एन इंटू एन माइनस वन पर ही सिर्फ चलेगा, यानी 7-6 या 42 पे चलेगा, और अगर सिर्फ लीग लिखा रहता और 7 टीम्स रहता तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू यानी 42 बाई टू यानी 21 मैचेज होता वहाँ।
हाउ मेनी मैचेज विल बी प्लेड इन ए लीग टूर्नामेंट ऑफ 10 टीम्स. तो 10 टीम्स हैं, लीग है, डबल लीग नहीं है, तो क्या होगा, 10 × 9/2 यानी 90/2 यानी 45 मैचेज होगा. वहाँ ऑप्शंस में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा किल होगा. ऐसे 48, 46, 40, 45 दिया हुआ है, आपको 45 पे टिक करना है. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स. कम्युनिटी स्पोर्ट्स का बेनिफिट क्या क्या है, आप खुद दिमाग लगाइए. कम्युनिटी स्पोर्ट जब होता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट होता है. कम्युनिटी के अंदर एकता, यूनिटी आती है. कम्युनिटी के अंदर जो है एक दूसरे पर कोऑपरेशन बढ़ता है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड बढ़ता है, ग्रुप कोहेसन बढ़ता है, और हेल्दी रहने की भावना बढ़ती है, और एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है. तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स जो है वो पीपल जो सेम इंटरेस्ट के हों उनका मुलाकात होता है, मीटिंग पीपल विद सेम इंटरेस्ट, ये इसका बेनिफिट में ही है, इसलिए ये नहीं होगा. क्योंकि पूछा नॉट द बेनिफिट. सेकंड है डेवलपिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बिलोंगिंगनेस बढ़ता है. इंप्रूविंग फिजिकल हेल्थ, वो तो होना ही होना है. और लिखा है इंक्रीजिंग एंटी सोशल बिहेवियर, तो ये कभी नहीं होगा. तो ये जो है इसका ऑप्शन होगा डी. इस तरह से आपको ना थोड़ा सा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सब कर लेंगे. ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने कहीं से ही पढ़े तो पहले मैंने खुद से कर लिया, फिर आंसर मिलाया, तो खुशी की बात ये है कि मेरा आंसर सब सही था. एक गलत हुआ था, जब मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी में समझ नहीं पाया था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेक प्लेस. एक गलत हुआ था 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के बीच, ऐसा नहीं सोचे 18 में ये गलत हो गया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेक प्लेस. तो स्टाफिंग में होगा. स्टाफिंग में जो आपका काबिल स्टाफ है और माने वर्क के अनुकूल स्टाफ, जो वर्क की एबिलिटी, स्टाफ की एबिलिटी है, जो वर्क है, वो दोनों अगर मेल करते हैं तो उसी को रियल स्टाफिंग कहते हैं. अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर अप्रोप्रिएट वर्क. द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइजन विथ प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया के साथ लाइजन कौन करेगा? तो अगर एक कमिटी होती है मार्केटिंग कमिटी, जो या पब्लिसिटी कमिटी, जिसको मार्केटिंग कमिटी भी कहते हैं, पब्लिसिटी कमिटी कहते हैं, वही जो है प्रिंट मीडिया या फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी आपके अगल बगल के हैं. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेन दो ही है. ये दोनों से जो लाइजन करता है वो है आपका पब्लिसिटी कमेटी या मार्केटिंग कमेटी. और आजकल तो मार्केटिंग हर चीज़ की ज़रूरी है, क्योंकि जो दिखता हो बिकता है तो उसको दिखाने के लिए मार्केटिंग उसकी ज़रूरी होती है. परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज़ ए वर्क ऑफ द डेस्क कमेटी. परचेज किसका होगा? तो परचेज कमेटी जो होती है, एक तो परचेज कमेटी अलग से ही होती है, लेकिन अगर अलग से दे परचेजिंग किसके लिए है, तो ऑप्शन में अगर लॉजिस्टिक कमेटी दिया हुआ है तो वो आप जो है वहाँ डालिएगा. पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन प्री टूर्नामेंट. टूर्नामेंट के पहले ही हो जाना चाहिए. जो मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें पहले काम, मतलब फिक्स्चर कमेटी, वो तो टूर्नामेंट के जस्ट पहले ही डाल देना. ड्यूरिंग टूर्नामेंट हम फिक्स्चर नहीं बनाते, पहले बना लेते हैं. विच ऑफ द रेसेज इज रन टू प्रमोट ब्रदरहुड. तो रन ब्रदरहुड, तो रन फॉर यूनिटी. रन फॉर यूनिटी है, रन फॉर स्पेशल कॉज है, रन फॉर हेल्थ है, रन फॉर फन है. तो डिफरेंट कम्युनिटी रन्स हैं. तो ये रन किस किस चीज़ के लिए है, वो नाम से ही लगभग क्लियर है. डैश टूर्नामेंट इज ए फॉर्म ऑफ कम्बिनेशन टूर्नामेंट. तो चार तरह का कम्बिनेशन टूर्नामेंट है. लीग कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट. तो ये चार तरह के कम्बिनेशन टूर्नामेंट्स हैं जो कि हम लोग को पढ़ने हैं. इसमें हम लोग मतलब कि मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम सभी को पढ़ना है अभी के सिलेबस के अनुसार. फोर टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन टूर्नामेंट. विच फार्मूला यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन टेबल मेथड. ऑड नंबर ऑफ टीम में कितने कॉलम बनाते हैं? तो देखिए, हमेशा ऑड रहेगा. अगर इवन है तो +1, ऑड है तो +2, यानी हमेशा ऑड रहेगा. जिस तरह से साइक्लिक मेथड में राउंड हमेशा ऑड रहता है, या टेबुलर में राउंड हमेशा ऑड रहेगा. अगर टीम अगर 6 है या 8 है तो -1, और अगर ऑड है तो एज सेम एज नंबर ऑफ टीम. तो राउंड्स तो हमेशा ऑड होंगे, और यहाँ पर जो टेबल के कॉलम है वो भी हमेशा ऑड होंगे. अगर 9 है तो 11 होंगे, 2 ज़्यादा, 8 है तो 1 ज़्यादा, 10 है तो 1 ज़्यादा. इस तरह से करके, यानी कि ऑड का बड़ा महत्व है यहाँ राउंड्स में और कॉलम्स में. ये आपका
कंप्लीट हुआ। इन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज पॉपुलर, तो सब पॉपुलर है, जैसे लीग कम लीग भी पॉपुलर है, लीग कम नॉकआउट पॉपुलर, नॉकआउट कम नॉकआउट भी पॉपुलर है, सभी पॉपुलर है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द स्पेशल सीडिंग, स्पेशल सीडिंग का मेन फीचर क्या है, तो टीम प्ले डायरेक्टली ऑन क्वार्टर फाइनल, यही इसका मेन फीचर है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे मैं एक जैसा होगा तो उसको हटा दूंगा, ठीक है। हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन, इसको हटा दिया मैंने। हाउ मेनी मेथड्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर फिक्स्चर, फिक्स्चर इन लीग टूर्नामेंट में तो तीन आपके सीबीएसई के सिलेबस में है, तीन, कौन, स्टेयरकेस मेथड, साइक्लिक मेथड, टेबुलर मेथड। अब यहीं पे मैं बता दे रहा, आगे क्वेश्चन होगा तो हटा दूंगा, कि अगर जीतने के लिए कितने सिस्टम है आपका, तो जो है पहले ब्रिटिश सिस्टम है और अमेरिकन सिस्टम है, तो ये दोनों में अंतर क्या है, तो थोड़ा सा अंतर है दोनों के फॉर्मूला में। एक टोटल नंबर मैच वन, टोटल पॉइंट्स जो है पॉसिबल, और टोटल नंबर गेंद इनटू 100 पे चलता है। एक टोटल पॉसिबल मैचेज का पॉइंट और टोटल मैचेज जितने हो सकते हैं उसका इनटू 100 पे चलता है। इस तरह से दोनों ब्रिटिश और इसका मेथड चलता है। अभी मैं आगे इसको क्लियर कर दूंगा जब ऑब्जेक्टिव एक जगह आएगा। हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन, इसको जरूरत नहीं है। हाउ मेनी नंबर ऑफ मैचेज, वो भी जरूरत नहीं है। हाउ मेनी बाइज, ये भी जरूरत नहीं है। तो ये जो है अधिकतर नंबर मैच इस पर ज़्यादा है। फिफ्थ बाई, फोर्थ बाई, थर्ड बाई विल बी गिवन इन टीम, वो भी नहीं है। कमिटीज का क्वेश्चन भी हो चुका हम लोग का। नंबर ऑफ बाई फॉर 16 टीम्स तो 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ बाई फॉर 29 टीम्स के लिए लिखा तो 3 हो जाएगा। 25 टीम्स है तो नीचे में कितना बाई होगा, तो 25 है तो 32 माइनस 25 विन 7, 7 तो नीचे में एक ज़्यादा होगा ऊपर एक कम होगा बाई, क्योंकि बाई ज़्यादा कम होता है, नीचे ज़्यादा ऊपर कम ऑड में, और टीम ऊपर ज़्यादा नीचे कम, ये तो क्लियर हो चुका है, तो नीचे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया। डैश कमिटी इज टास्क विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग दैट इक्विपमेंट, प्लेइंग एरिया, कोर्ट्स एंड ग्राउंड्स मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। अब इसमें देखिए, ऑप्शन में ग्राउंड इक्विपमेंट कमिटी है तो ग्राउंड इक्विपमेंट डाल सकते हैं, और टेक्निकल है तो टेक्निकल डाल सकते हैं, ये दोनों का दोनों चलता है। वहाँ ग्राउंड इक्विपमेंट देखना भी ग्राउंड इक्विपमेंट कमिटी काम है, और अगर ग्राउंड इक्विपमेंट नहीं है तो टेक्निकल कमिटी का ये भी काम है कि सारी चीज़ टेक्निकल चीज़ें, प्लेइंग एरिया, कोर्ट, ग्राउंड, ये सब ठीक ठाक है कि नहीं, ये देखना। फर्स्ट एड से रिलेटेड कौन देखेगा, तो मेडिकल कमिटी या फर्स्ट एड कमिटी, जिस नाम से आ जाए। अगर इंजुरी होती है किसी प्लेयर को तो मेडिकल कमिटी, अगर नाम लिखा हुआ ऑप्शन तो मेडिकल कमिटी, नहीं तो फर्स्ट एड कमिटी। लीग टूर्नामेंट्स को और क्या कहते हैं, तो उसको राउंड रॉबिन और बर्जर सिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा, तो ऑप्शन में जैसे आ जाए, ठीक है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी कर लेना है अगर कहीं के ऑप्शन में रहे तो, क्योंकि उससे भी आपका ऑब्जेक्टिव जो है ब्रेन जो बढ़ता है। प्लानिंग वाइटल टू सक्सेस ऑफ एनी इवेंट, तो ट्रू, तो अब इसमें जो है इज नॉट वाइटल या वाइटल, ऐसा करके ऑब्जेक्टिव में भी डाला जा सकता है, इसलिए इसको भी आप जो है देख लीजिएगा। देखते हो मैं कोई, अगर मेरा कोई ऐसा है कोई इसमें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट पूछ सकता है, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दे दिया, तो आपका 3 है उसको बनाने का मेथड्स ऑफ ड्राइंग फिक्स्चर ऑफ लीग या नॉक, ये राउंड रॉबिन, तो उसको आपको कर लेना है इस तरह से। अब ये क्वेश्चन बचा है, हाँ यहाँ पर एक अलग थोड़ा सा है। द फॉर्मूला फॉर डिसाइडिंग द विनर इन ए लीग टूर्नामेंट बाय ब्रिटिश सिस्टम, तो परसेंटेज ऑफ पॉइंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा वो जीता। कैसे, तो परसेंटेज पॉइंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100, तो ये आपका ब्रिटिश सिस्टम में चलता है इस तरह से, ठीक है। लीग कम नॉकआउट किसका पार्ट है, तो लीग कम नॉकआउट हो, नॉकआउट कम नॉकआउट हो, कम कहीं भी लगा हुआ है तो जो है, अगर ज़्यादा नहीं सब में कम कम लगा सकती हम कम, यानी कि वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
कुछ अगर अलग तरह क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूँ, तो अधिकतर क्वेश्चन हम लोग डिसाइड इसको कर लिए हैं। नंबर पर राउंड्स जो है वो हम लोग निकाल चुके हैं, और नंबर राउंड्स पूछ सकता है साइक्लिक मेथड के अनुसार, तो वो भी मैंने बता दिया है। अगर ऑड है नंबर ऑफ टीम्स तो नंबर ऑफ राउंड विल बी एज सेम एज नंबर ऑफ टीम्स, यानी सेवन टीम्स हैं तो सेवन राउंड होगा साइक्लिक मेथड में या टेबुलर मेथड में भी, अगर आपका नंबर राउंड पूछा है। तो नंबर ऑफ कॉलम पूछा है तो n प्लस टू होगा अगर ऑड टीम से, तो n प्लस वन होगा अगर इवेन टीम है। तो नंबर ऑफ राउंड्स पूछा है तो इवेन है तो n माइनस वन, ऑड है तो एज सेम एज नंबर ऑफ टीम। ये दिमाग में बैठा लीजिए ताकि ये कभी भी ऑब्जेक्टिव आए तो आप कर लीजिए। अब एक्स्ट्रा मॉडल टूर्नामेंट का एग्जांपल पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग एक्स्ट्रा मॉडल, तो अगर आप पूछ दिया SGFI, CBSE, खेलो इंडिया प्रोग्राम, तो ये सब एक्स्ट्रा मॉडल, क्योंकि वो इंटर हाउस और इंटर क्लास तो है नहीं। ठीक है, और कोई ऐसा क्वेश्चन है? द हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमिटी, तब इसमें देखिए चेयरपर्सन रहेगा तो चेयरपर्सन मारिएगा, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी मारिएगा, अगर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मारिएगा, हेड यही रहता है। ठीक है, या चेयरपर्सन लिखा हो तो चेयरपर्सन मारिएगा, तो हेड अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन कन्फ्यूजिंग ऑब्जेक्टिव नहीं देगा CBSE अगर, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम अगर देता है कन्फ्यूजिंग की ये दोनों भी लग रहा था, तो उनको नंबर देना पड़ता है फिर, इसलिए उसमें कंसेप्ट क्लियर है तो आपको लगना चाहिए कि ये दोनों में से क्या होगा, अगर दोनों होने वाला है तो कोई भी कीजिए आपको नंबर मिलेगा। इन विच मेथड नो बाय इज गिवन, देखिए अगर लीग के बारे में पूछ दिया कि इन विच मेथड नो बाय इज गिवन, तो स्टेयरकेस मेथड याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि टेबुलर मेथड जो है वहां भी बाय दे रहे थे हम लोग, क्योंकि ऑड में, साइक्लिक में भी ऑड में बाय दे रहे थे, लेकिन स्टेयरकेस में इवन ऑड से मतलब नहीं हो, तो स्टेयरकेस बनाना पड़ता है, जो बनाए हुए हैं उसको अच्छे से मालूम है कि स्टेयरकेस में इवन ऑड से मतलब नहीं है, तो वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, वन बाई फाइव, ये सबसे मैच खेला, फिर टू बाई थ्री, टू बाई फोर, टू बाई फाइव सबसे खेला, तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है बाई का, तो अगर वहाँ कहीं भी स्टेयरकेस लिखा हुआ है तो बाई जो है स्टेयरकेस में जो है नहीं होता है, क्लियर रखिएगा। एक ऐसा मेथड जिसमें स्ट्रांग टीम को अलग अलग क्वार्टर में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो सीडिंग कहते हैं। ऐसा मेथड जिसमें टीमें स्ट्रांग टीम डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेलते हैं तो उसको स्पेशल सीडिंग कहा जाता है। ऐसा मेथड जिसमें कि कुछ टीमों को फर्स्ट राउंड में नहीं खेलने की अनुमति रहती है तो उसको बाई कहा जाता है। अब देखिए बाई और सीडिंग में बहुत बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि इसमें बाई सीडिंग दोनों दिया, फर्स्ट राउंड नहीं खेला तो क्या देंगे। देखिए सीडिंग जो है वो स्ट्रांग टीम्स को सेपरेट हाफ में रखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको बाई भी मिले। अगर मान लीजिए 15 टीम्स है और चार टीम में सीडेड हैं, तो चार टीम क्या होगा, सबसे नीचे सबसे ऊपर, नीचे का सबसे ऊपर सबसे नीचे तो हो जाएंगी, लेकिन वो एक ही बाई रहेगा, सबसे नीचे वालों को सिर्फ बाई मिलेगा सीडिंग में। स्पेशल सीडिंग में तो वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेलते हैं, इसलिए उसको कोई बात ही नहीं है, लेकिन सीडिंग लिखा हुआ है और बाई लिखा हुआ है, और इन विच सिस्टम सम टीम्स आर नॉट अलाउड टू प्ले, सम टीम्स आर गिवन प्रिविलेज नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर बाई लिखना है, सीडिंग नहीं लिखना है। सीडिंग का मेन है कि स्ट्रांग टीम्स आर केप्ट इन सेपरेट हाफ सो दैट दे विल नॉट मीट बिफोर सेमीफाइनल, ये उसका मेन है, इसको क्लियर रखिएगा। ए लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको राउंड रॉबिन कहा जाता है, ये बता चुके। विच टूर्नामेंट इज बेस्ट व्हेन देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ टीम, लार्ज नंबर ऑफ टीम है तो कौन सा टूर्नामेंट बेस्ट होगा? सही, जो बोले नॉकआउट यानी एलिमिनेशन, जल्दी जल्दी हारेंगे बाहर होंगे, लंबा टीम हो गया लीग खेलाएंगे तो साल भर टीम चलते रहेगा। विच टूर्नामेंट इज बेस्ट व्हेन देयर इज वेरी लेस नंबर ऑफ टीम, कम टीमें आ गई हैं तो तुरंत खेल के मान लीजिए तुरंत खत्म हो गया, तो वहाँ पर नॉकआउट याद रखिएगा। जब आपके पास इफ यू हैव सफिशियंट टाइम एंड लेस टीम देन लीग, इफ देयर नो सफिशियंट टाइम एंड लार्ज नंबर ऑफ टीम नॉकआउट, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा।
डैश इज ए प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग टीम्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर फॉर प्लेइंग। प्लेइंग के लिए सिस्टमैटिक ऑर्डर के लिए क्या कहा जाता है, तो फिक्स्चर, याद रखिए फिक्स्चर। फिक्स्चर एक सिस्टम है जिसमें सिस्टमैटिक मैनर पर मैचेज खिलाने के लिए ही हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा था, जहां मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, तो वो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज ए कॉबवेब टूर्नामेंट। कॉबवेब टूर्नामेंट किसको कहते हैं, या कॉबवेब टूर्नामेंट, कॉबवेब फिक्स्चर कहां बनता है, तो वहां पर आपका कॉबवेब से रिलेटेड है कॉम्बिनेशन, सी सी दोनों है तो कॉम्बिनेशन है। ये तीन टाइप का मेथड से ये बनता है, इसका लेडर मेथड होता है, फिजिकल मेथड होता है, कॉबवेब मेथड होता है। तीन मेथड से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट खेला जाता है, लैडर मेथड से, फिजिकल मेथड से, कॉबवे मेथड से। तो ये मुझे नहीं पता था ठीक से, तो जब मैंने ये देखा तो फिर जो है सीयूटी का एक जगह था तो वहाँ फिर मैंने सर्च किया। तो इसको याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन जो है कॉबवेब अगर कहीं आ गया, क्योंकि है आपके इसी में प्लानिंग स्पोर्ट्स से है रिलेटेड कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहाँ पढ़ना है तो वहाँ पूछ सकता है। क्योंकि यह क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज कॉबवेब टूर्नामेंट, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है कॉबवेब टूर्नामेंट है ठीक है। इन साइक्लिक टूर्नामेंट द टीम्स आर रोटेटेड। साइक्लिक टूर्नामेंट कैसे रोटेट करता है, तो जब भी इवन होता है तो वन यहाँ होता है, और जब भी ऑड होता है तो बाई इधर होता है राइट साइड में ऊपर, और सब बाकी उसके चारों घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज 12 से 1 बजे 1 से 2, तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप टू डाउन, ऑल ऑफ देम, तो वहाँ पर क्लॉकवाइज करना है। इंटर स्कूल कंपटीशन आर कॉल्ड एक्स्ट्रा मुरल, और कोई नहीं है। देखिए बहुत लंबा भी पूछ देते कभी कभी, द नंबर ऑफ बाई नॉकआउट फिक्चर इन ऑफ 71 टीम्स, तो आप 64 के बाद 128 से माइनस करेंगे, और 71 टीम्स है तो 57 बाई होगा। कभी कभी थोड़ा बड़ा भी पूछ देगा, हो सकता है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि 32 तक ही समझ कर रखे सब चीज़, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सिर्फ याद किए हुए तो सारा आंसर नहीं दे पाइएगा। प्लानिंग शुड स्पेसिफिक, लॉजिकल, फ्लैक्सीबल, ऑल। अब आप थोड़ा सोचिए, मैंने प्लानिंग का बहुत कुछ बता दिया है। प्लानिंग स्पेसिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, फ्लैक्सीबल होना चाहिए, ऑल ऑफ देम होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। तो अगर आप ऑल ऑफ देम अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, और इसलिए उसको जो है याद रखिएगा। पब्लिशिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ टूर्नामेंट क्या होगा, प्री होगा, ड्यूरिंग होगा या पोस्ट होगा, तो आप अपने समझ सकते हैं कि प्री होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस इतने सारे हो गए हैं, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कहीं भी मिल रहा है आपको, किसी भी किताब में कहीं भी कोई कंफ्यूजिंग ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, या मैंने जितना बताया तो गलती से कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और ये अगर आपको वीडियो ये लग रहा है कि यूज़फुल है तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि फिजिकल साइंस रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जरूरी नहीं सीबीएसई, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा। मैं कोशिश करूँगा कि 11-12 के सारे चैप्टर्स के इस तरह से 6-6 पब्लिकेशन का मिलाकर क्वेश्चन एक साथ करके मैं वीडियो बना दूँ सारे चैप्टर्स का, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी रहती है, स्कूल का भी अपना काम है, फैमिली भी कुछ काम आता है, और सोशल वर्क भी मेरा चलते रहता है, लेकिन उसके बीच में मैं वीडियो इसलिए बनाते रहता हूँ क्योंकि ये लंबे समय तक लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, और इसी बहाने मेरा कुछ नॉलेज भी बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ये, तो अपने सब्जेक्ट के साथ न्याय करने की इच्छा हमेशा रहती है, तो अपना सब्जेक्ट तो साथ हमेशा लेकर चलना ही चाहिए बाकी सब चीज़ के साथ। तो इसलिए जो है आप लोग सब मुझसे इसी तरह जुड़े रहें, और हम लोग सब मिलकर एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।